तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योगेश कॉमर्स क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बिजनेस का चैप्टर नंबर 1 फॉर क्लास 12। 12th के बिजनेस का पहला चैप्टर है जो मैनेजमेंट के ऊपर है। आइए आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है। वीडियो में पूरा आखिरी तक बने रहे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज करेंगे, अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, बुकिश लैंग्वेज से थोड़ा बाहर बात करेंगे। जब आप लोग डेली आम चाल की बोलचाल की भाषा में जब आप समझ जाओगे तो फिर बुक में हम पढ़ लेंगे, बुक में तो सभी दिया हुआ है। आओ, बिजनेस का चैप्टर नंबर 1, मैनेजमेंट का नेचर एंड सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट क्या है, तो जरा सोचिए मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट को हिंदी में बोलते हैं व्यवस्था करना, प्योर हिंदी में बोलते हैं प्रबंध करना, और हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं मैनेजमेंट का मतलब जुगाड़ लगाना, बढ़िया मैनेज किया है, अच्छा मैनेज किया है, इस तरीके से हम मैनेजमेंट का यूज करते हैं। मैं आपके सामने दो पिक रखता हूँ, एक लेफ्ट साइड में फोटो रखता हूँ, राइट साइड में फोटो रखता हूँ, आपको देखना, दो पार्टी का फोटो रखता हूँ मैं, दो रिसेप्शन पार्टी का, आपको देखकर गेस करने की कहाँ पर मैनेजमेंट अच्छा है। तो एक ये एक पार्टी का फोटो है जो एक ऑडिटोरियम हॉल में किया गया है, और एक अलग से है जो लॉन में किया गया। अब इन दोनों में एक ये ए पार्टी और एक कौन सा बी पार्टी, इन दोनों में देखकर आपको गेस करना है कि कहाँ पर मैनेजमेंट अच्छा है। अफकोर्स आप बोलेंगे कि मैनेजमेंट ए पार्टी ए में बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, अब पार्टी बी जो दिख रहा है बहुत अच्छा मैनेजमेंट नहीं है, ऐसे कुछ होगा ना, यहाँ बहुत अच्छा मैनेजमेंट दिख रहा है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट नहीं दिख रहा। वैसे ही मैं आप सिमिलरली दो ऑफिस का फोटो रखता हूँ, एक ऑफिस ए एक ऑफिस बी, कहाँ आपको अच्छा मैनेजमेंट दिख रहा है। देखिए ऑफिस ए में दिख रहा है कि बढ़िया, सारे स्टाफ वेल अपने अपने जगह पर बैठे हैं, बहुत अच्छी तरीके से साफ सुथरा सब दिख रहा है, तो मैनेजमेंट अच्छा है। वहीं दूसरा ऑफिस में जाएंगे तो बहुत मैसी सा है, सारी इधर उधर फाइल्स पड़े हुए, तो मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। मतलब आप मैनेजमेंट को देख तो सकेंगे, मैनेजमेंट को आपको दिख जाएगा, हाँ यहाँ बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, यहाँ बहुत अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। बट आपको मैं पूछूंगा व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या बताओ, तो आप मैनेजमेंट बता तो नहीं पाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट किसी एक वर्ड से नहीं बना हुआ है कि आप ऐसा बोल दो फटाक से कि बन जाए मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपको फील हो जाएगा बहुत अच्छा मैनेजमेंट, जैसे आपको कैंटीन का जैसे अंदर की आपको सब कुछ बहुत अच्छे से दिख रहा है, वेल मैनेजर बोलेंगे क्या बढ़िया मैनेज किया है, कितना अच्छा मैनेजमेंट है। किसी ऑफिस में घुसेंगे तो क्या बढ़िया सा ऑफिस है, जैसे आप स्कूल जाएंगे हॉस्पिटल जाएंगे तो कोई कोई स्कूल बहुत मिसमैनेज रहता है, कोई कोई हॉस्पिटल बहुत मिसमैनेज रहता है, कोई कोई बैंक में जाएंगे बैंक दिखेगा बहुत मिसमैनेज रहता है, कोई कोई प्राइवेट बैंक है बहुत अच्छा रहता है, बढ़िया बोलते हैं आपकी बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट ना आपको फील तो हो जाएगा, बट मैनेजमेंट को वर्ड्स में रखना थोड़ा सा मुश्किल है। नहीं, हम कोशिश करते हैं बहुत अच्छा मैनेजमेंट किस तरीके से हुआ, ये दो ऑफिस और ये ऑफिस और रिसेप्शन पार्टी कितने अच्छे से कैसे मैनेज हुआ। देखिए अगर आपको मैनेजमेंट करना है, मैनेजमेंट करने के लिए, एक अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 5 फैक्टर होने चाहिए। 5 चीजें हैं जिनसे बहुत अच्छा मैनेजमेंट होते हैं। आप ना ये फील तो कर लोगे बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, लेकिन मैनेजमेंट इतना अच्छा हुआ कैसे, ऐसे कौन कौन से चीज है जिसके कारण इतना अच्छा मैनेज हुआ। अगर एक पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना है तो उसके पीछे कौन कौन है, तो उसके पीछे 5 फैक्टर्स होते हैं। मैनेजमेंट के 5 फैक्टर्स होते हैं, एक तरीके से मैं बोल दूं मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। अगर ये 5 चीजें मिल जाती है तब बेस्ट मैनेजमेंट होता है। अभी 5 चीजें क्या है, मैं एक एग्जांपल रखूंगा उससे आपको समझना पड़ेगा कि 5 चीजें क्या है। फिर से मैं बता दूं, एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए एक चीज से बहुत अच्छा मैनेजमेंट नहीं होता, कोई एक फैक्टर कोई एक पर्सन कोई एक एलिमेंट से बहुत अच्छा मैनेजमेंट नहीं होता, उनके पीछे 5 चीजें होती हैं। वो 5 चीजें अगर एक साथ जुड़ जाएंगे, वो 5 चीजें एक साथ आ जाएंगे तो क्या होगा, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट होगा। तो वो 5 चीजें क्या है उसको समझने से पहले हम डिसाइड करते हैं कि आपको अपने 12th का मैनेजमेंट करना है, आपको अपने 12th का मैनेजमेंट करना है कि मेरा 12th बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो। बहुत अच्छे तरीके से आपको 12th मैनेज होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छा मैनेजमेंट अपने 12th की क्लास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको अपना एक पर्सन डिसाइड करना पड़ेगा, वेट, सबसे पहले आपको अपना एक पर्सन डिसाइड करना पड़ेगा कि आप 12th में कितना परसेंट लाना चाहते हैं। तो सपोज कर लो आपने एज्यूम किया कि मैं 12th में 80+% लाना चाहता हूँ, तो आपने गोल डिसाइड किया, आपने एक गोल डिसाइड किया, ये पहला फंक्शन हो गया। बोला ना 5 चीजों से बनता है, तो सबसे पहले तो आपके पास एक गोल होना चाहिए, और उस गोल के लिए आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले अपना प्लान बनाएंगे। आपको अपना 12th का गोल को अचीव करना है, 80% ये आपका टारगेट है, उस टारगेट पाने के लिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए, अपने 12th का अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले तो 11th पास होते ही प्लान बनाना पड़ेगा।
कि मेरा क्या क्या तैयारी होना चाहिए, मैं कितने घंटे पढ़ूंगा, कहाँ कोचिंग जाऊंगा, कहाँ स्कूल जाऊंगा, कौन सी नोटबुक खरीदूंगा, कौन से रेफरेंस बुक लूंगा, किस तरीके से प्रिपरेशन करूंगा, पूरा पहले प्लान बनाना पड़ेगा। ऐसा सभी जगह होता है। तो मैं एक एग्जांपल रखता हूँ कि अगर आपको 12th में 80% लाना और अपने 12th का बहुत ही अच्छा मैनेज करना है तो आपके पास एक गोल होना चाहिए 80%, और उसके गोल के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्लान करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास गोल ही नहीं है तो आप अपने आप को मैनेज ही नहीं कर पाओ। एक कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास कोई गोल ही नहीं है वो अपना मैनेजमेंट ही नहीं करेगा। एक स्टूडेंट जिसके पास अपना कोई गोल ही नहीं है वो अपना मैनेजमेंट ही नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक अपना गोल होना चाहिए, और गोल को पूर्ण करने के लिए मैनेजमेंट चाहेंगे। तो मैनेजमेंट का स्ट्रेंथ होता है कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया प्लान होना चाहिए। जैसे 10th 11th आपने पास किया, आपने एक प्लानिंग बना लेना था, तो ये आपने प्लान बना लिया। चलो आपने प्लान बना लिया, मेरा 80% होना चाहिए, यहाँ जाऊंगा, ये सीखूंगा। इसके बाद प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा, किसी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, स्कूल के साथ साथ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो वो इंस्टीट्यूट, वो संस्था, वो बनेगा आपका नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2 बनेगा आपका क्या, ऑर्गेनाइजेशन। आपको उस प्लान को पूरा करने के लिए, आपने गोल को अचीव करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन। बिना ऑर्गेनाइजेशन के आप ये पूरा नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन आपका स्कूल हो जाता है और आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट हो जाता है, ये दोनों आपके क्या बन जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन। आप स्कूल तो चले गए, कोचिंग तो चले गए, आपने सेकंड फंक्शन भी पूरा कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन तो सेलेक्ट कर लिया है, वहां पर कौन सा टीचर आपको पढ़ाएगा, कोचिंग में कौन से टीचर आपको पिक करना है, कौन से टीचर से आपको पढ़ना है, वो टीचर, वो पर्सन, वो इम्प्लॉई, ये बनेगा आपका नंबर 3। स्टाफ में आएंगे, ये किसमें आएंगे, आपके स्टाफ, ये नंबर 3 फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक प्लान होना चाहिए, उस प्लान को पूरा करने के लिए आपको एडमिशन लेंगे, वो आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको जो फैकल्टीज मिलेंगे, जो आपको टीचर्स मिलेंगे, वो आपके क्या बन जाएंगे, स्टाफ बन जाएंगे। यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। 12th में आपके पास एक गोल होना चाहिए, उस गोल को पूरा करने के लिए आपको मैनेजमेंट करना है 12th का, और उस 12th के मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा प्लान। प्लान के बाद आपको जाना पड़ेगा एक ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन आपका स्कूल है, क्या हो सकता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है। उसके बाद वहां जो टीचर आपको अलॉट होंगे वो आपके स्टाफ जैसे हो गए। एंड नंबर 4, उसके बाद जिस टीचर के पास आप जाएंगे, वो टीचर आपको जैसे पढ़ाएगा, जिस तरीके से बोलेगा बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, इस तरीके से आपको याद करना है, वहां पर आपका आता है डायरेक्शन। क्या बनेगा आपका वहां पर, डायरेक्शन। तो टीचर से आपको मिलने वाला है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन भी बहुत जरूरी है। आप अपना गोल बना लिए, आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिए, आपने अपना स्टाफ सेलेक्ट कर लिया, देन आपको जो टीचर बता रहा है उस टीचर के फॉर्मेट को, उस टीचर के पैटर्न को आप फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। टीचर जो आपको गाइड कर रहा है, जो डायरेक्शन दे रहा है, आप उसके डायरेक्शन को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर पा रहे, तो भी आपका परसेंट अचीव नहीं होगा, तो भी आपका मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो जहां आप एक स्टाफ आपको मिलता है, जो टीचर मिलता है, और टीचर जो आपको डायरेक्शन देता है, उस डायरेक्शन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड लास्ट में आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल, टीचर आपको कंट्रोल करेगा, स्कूल वाले आपको कंट्रोल करेंगे, आपको अपने आप को, अपने बिजनेस को, सॉरी बिजनेस नहीं, आपने अपने 12th के लाइफ को, अपने 12th के पूरे एक्टिविटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है कि 12th में ज्यादा नहीं घूमना है, 12th में अच्छे से पढ़ना है, 12th में कंट्रोल में रहना है, ज्यादा मोबाइल नहीं चलाना है, ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं बनाना है, ज्यादा इंस्टा नहीं चलाना है, ज्यादा रील नहीं देखना है। आपको अपने 12th को कंट्रोल करना पड़ेगा। 12th के समय में आपको सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। जहां ये 5 चीजें मिल जाएंगी, आपका प्लानिंग हो गया, आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल मिल गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आपको अच्छे अच्छे टीचर मिल गए, उन्होंने जो आपको डायरेक्शन दिया, आप उस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, देन आप कंट्रोल कर रहे हैं सारी चीजों को, तब जाकर आपका 12th में जो भी आपने गोल डिसाइड किया है वो पूरा हो जाएगा। और फिर अगले साल लोग बोलेंगे कि आपने अपने 12th को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया बेटा, मैनेज किया, आपने अपने 12th को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया। तो आप क्या बताएंगे कि मैं कैसे मैनेज किया, आपने 5 चीजें फॉलो करी हैं। उन 5 चीजों में पहला क्या है, आपने प्लानिंग फॉलो किया, दूसरा आपने ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट किया, फिर आपको बहुत अच्छे टीचर्स मिले, वो आपके स्टाफ हो जाएंगे, देन आपको डायरेक्शन मिला, देन आपने कंट्रोल किया। तो जब ये 5 चीजें मिलती है, ये 5ों चीजें जब मिलती है, तब बेटर मैनेजमेंट होता है। तो ये तो फॉर एक एग्जाम्पल था 12th का। ऐसे ही जैसे 12th में मैनेज होता है, ठीक वैसे ही अगर आप कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उस बिजनेस करने से पहले, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, या बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करने से पहले, आपके पास एक गोल होना चाहिए कि इस साल मेरे बिजनेस को इस टारगेट तक पहुंचाना है। तो आपके पास एक गोल होना जरूरी है। याद रखेंगे
की शुरुआत कहाँ से होता है आपका? एक सेकेंड, शुरुआत आपका होता है कहाँ से? एक गोल से होता है। तो आपके पास एक गोल होना चाहिए, इस पे एक बिजनेस स्टार्ट करे, बोले कि इस साल मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है, इतना टर्नओवर चाहिए, इतना मुझे प्रॉफिट बनाना है, या फिर मेरा इतना सेल होना चाहिए। तो आपने एक गोल डिसाइड कर लिया। अब उस गोल को पूरा करने के लिए आपको मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट करने के लिए आप बिजनेस में क्या करेंगे? सबसे पहले बैठ के प्लान बनाएंगे, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एक आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर वहां आप स्टाफ सेलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से स्टाफ होना चाहिए, फिर उनको क्या करेंगे, डायरेक्शन देंगे किस तरीके से काम करना है। उसके बाद बिजनेस में कंट्रोल होगा, सारे स्टाफ को, अपने एक्टिविटी को, सारे चीज को कंट्रोल करेंगे, तब जाकर आपको क्या होगा, मैनेज होगा। तो आपका ट्वेल्थ में हो गया मैनेजमेंट, आपके बिजनेस में हो गया मैनेजमेंट, आप स्कूल में चले जाओ, स्कूल भी अपने सारे स्कूल के एक्टिविटी को मैनेज करता है, तो स्कूल के पास भी गोल होता है, स्कूल की प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजेशन करता है, स्टाफिंग करता है, डायरेक्शन करता है, कंट्रोलिंग करता है, तब जाकर स्कूल भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होता है। सिमिलरली आप किसी हॉस्पिटल के पास जाएंगे तो हॉस्पिटल भी इन चीजों को फॉलो करता है। तो एवरीवेयर, हर जगह, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिव हो, चाहे वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिव हो, या चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, मंदिर मस्जिद चर्च, तो हर जगह पर मैनेजमेंट होता है, हर जगह पर। इवन आप खेलने जाते हैं वहां मैनेजमेंट होता है, आप पिकनिक जाते हैं वहां मैनेजमेंट होता है, पिकनिक भी जाते हैं तो पहले अपन क्या करते हैं, गोल बनाते हैं कि हमको उतने दिन को जाना है, इस डेट को जाना है, फिर आप क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे, कौन कौन जाएगा, सारा चीज लिखेंगे, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग, हर जगह पर प्लानिंग होता है। कहीं कहीं कुछ पॉइंट्स काम आते हैं, कहीं नहीं आते, लेकिन जनरली मैनेजमेंट पांच चीजों को एकदम कंक्लूड करोगे, पांच चीजों को फॉलो करोगे, पांच फंक्शंस को करोगे, तब आपके बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेजमेंट होते हैं। आइए इन पांच फंक्शन को एक बार डिटेल में देखते हैं। फाइव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नंबर वन क्या है आपका? प्लानिंग। आपके पास एक गोल होगा, उस गोल को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। प्लानिंग होने के बाद आपको क्या चाहिए? नंबर टू फंक्शन, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन जनरली बिजनेस फर्म को ही बोलते हैं, एक छोटा सा बिजनेस का शॉप भी है तो वो भी एक काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही होगा। तो जिस जगह पर आप बिजनेस करते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बाद आपके पास चाहिए स्टाफ, क्योंकि बहुत सारे इम्प्लॉय, बहुत सारे पीपल्स होंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है किसको नौकरी में रखूंगा, किससे काम कराऊंगा, तो आपके पास एक स्टाफिंग होना चाहिए। देखो पिक करने को क्या बोलते हैं, स्टाफिंग। इसके बाद क्या होता है, डायरेक्शन, कौन सा काम कैसे करना है, ये जो डायरेक्शन दे रहा है बॉस, इधर से उधर डायरेक्शन देगा, वो डायरेक्शन फॉलो करना जरूरी है। एंड लास्ट में होता है क्या, कंट्रोलिंग। देखिए किस तरीके से डायग्राम मैंने यूज किया, कंट्रोल कर रहे हैं कि आपको कितना काम करना है, आपको ये टारगेट पूरा करना है, आप ज्यादा छुट्टी नहीं कर सकते, टाइम टू टाइम आना है, सारे एक्टिविटी को फॉलो करना है, वो किसमें आ जाएगा, कंट्रोलिंग। ये फाइव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट याद रखना। इन्हीं पांच फंक्शन से हम डेफिनेशन भी बना देंगे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बेटा मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, तो बोला मैनेजमेंट पांच फंक्शंस को फॉलो कर लो, आपका मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलो बोलो मेरे साथ, पांच फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले प्लानिंग, दूसरा क्या है तुम्हारा, ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्शन, एंड लास्ट है कंट्रोलिंग। इन पांच चीजों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर लो, आपका मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैनेजमेंट कहाँ होता है? मैनेजमेंट एवरीवेयर, सब जगह हो सकता है, सभी जगहों पर मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो सभी जगह करने वाली चीजें, अभी जो कुछ कुछ बोल रहा ना, मैं इन्हीं चीजों से मैं फीचर में निकालूंगा। तो मैनेजमेंट का आपको एक डेफिनेशन दिखाता हूं मैं। अगर आपने अभी तक पढ़ा है तो देखना मैनेजमेंट का डेफिनेशन कितना सिंपल है। मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन, पांच चीजों को मिला रखने को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट एक कोऑर्डिनेशन है ऑफ ऑल द रिसोर्सेस, ऑफ ऑल द रिसोर्सेस, सभी रिसोर्सेस, एक सेकेंड, हाँ, ऑल द रिसोर्सेज, वेट, टेक्निकल, यस, ऑल द रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज हैं उन्हीं सभी चीजों को प्रोसेस वाइज फॉलो करना। क्या है रिसोर्सेज में? प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेंड स्टेटेड ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट क्या था तुम्हारा? गोल। उस गोल को अच्छे अटेंड करने के लिए आपको क्या करना है? मैनेजमेंट करना। एक बार फिर से पढ़ता हूं, मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। थ्रू कैसे कोऑर्डिनेट करोगे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, डायरेक्टिंग चाहिए, कंट्रोलिंग चाहिए और स्टाफिंग चाहिए। स्टाफिंग इसमें नहीं लिखा, आप स्टाफिंग भी ऐड कर देना। तो मैनेजमेंट एक कोऑर्डिनेशन है, ऑल द रिसोर्सेस को कोऑर्डिनेट करना है। थ्रू कैसे करना है? इनको 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 फॉलो करेंगे और इनसे क्या हो जाएगा आपका स्टेटेड ऑब्जेक्ट, जो आपने ऑब्जेक्ट डिसाइड किया ना, वो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, जो आपने पढ़ा है उन्हीं चीजों से बना हुआ है। स्टेटेड ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर गोल से पहचानेंगे आप लोग, गोल को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये मैनेजमेंट का एफ डब्ल्यू टेलर, जो बहुत ही बड़े मैनेजमेंट के
गुरु थे जिन्होंने मैनेजमेंट लाया है उनके थ्रू एक डेफिनेशन दिया हुआ, मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज ऑल थ्रू ऑल द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग स्टाफिंग इन ऑर्डर टू अटेंड द ऑब्जेक्ट। अब ये फाइव फंक्शंस प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके बाद हम आते हैं, ये बाद में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले हम नॉर्मली कुछ बात करते हैं, मैनेजमेंट कहाँ लगता है, मैनेजमेंट लगता कहाँ है, मैनेजमेंट कहाँ लगता है, स्कूल यस, हॉस्पिटल यस, रेस्टोरेंट यस, बिजनेस यस, आपके ट्वेल्थ में यस, सब जगह मैनेजमेंट लगता है। तो जब सब जगह लगता है तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल, द मैनेजमेंट सभी जगह लगता है, सब जगह तो लग रहा है, स्कूल हॉस्पिटल खेलना कूदना, क्रिकेट टीम में भी मैनेजमेंट लग रहा है, हॉकी खेल रहा है उसमें मैनेजमेंट लग रहा है, तो सब जगह मैनेजमेंट लगता है। तो मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, परवेसिव। अच्छा, मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हो तो मैनेजमेंट को करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, गोल। अगर आपके पास गोल नहीं है तो आप मैनेजमेंट नहीं करेंगे। आप सुबह उठे हैं, सोफा में पड़े हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, रिमोट चला रहे हैं, फिर सोफा उठने में आपके पास कोई गोल नहीं है, आपके पास तो मैनेजमेंट नहीं है, आप कुछ काम ही नहीं करेंगे। तो आपके पास क्या होना चाहिए, गोल। स्टार्टिंग तो मैनेजमेंट कहां से होता है, गोल। अगर आपके पास गोल ही नहीं है तो आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते, आपके पास गोल होना बहुत जरूरी है। भले ये परवेसी हो सब जगह होता है, ठीक। इसके बाद आप अपना ट्वेल्थ को अभी मैनेजमेंट कर लिए, फिर अगले साल आप कॉलेज में जाएंगे तो आप मैनेजमेंट करेंगे कि नहीं, अपने आप को यस करेंगे। जैसे मैं पिछले कई सालों से कोचिंग पढ़ा रहा हूं, मैं हर साल कोचिंग चलाने के लिए मैनेजमेंट करता हूं, मैं पांच फंक्शन फॉलो करता हूं, मैं इस साल कर रहा हूं, मैं अगले साल यस मैं करूंगा, फिर उसके अगले साल बिल्कुल करूंगा, उसके अगले साल बिल्कुल करूंगा। तो मैनेजमेंट कब करना है, आज करना है, कल करना है, इस ईयर करना है कि अगले साल करना है कि एवरी टाइम। तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर साल आपको करते रहना। एक टारगेट पूरा हो गया तो फिर अगले टारगेट के लिए मैनेजमेंट करो, वो टारगेट पूरा हो गया तो अगले टारगेट के लिए मैनेजमेंट करो। तो मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपको लगातार करना चाहिए। देखो मैं तीन पॉइंट बता दिया आपको, मैं पहले तो आपके पास गोल होना चाहिए, इसके बाद मैनेजमेंट कहाँ लगता है, सब जगह लगता है, यूनिवर्सल है, परवेसिव है। इसके बाद मैनेजमेंट कब कहाँ से करना है, कंटिन्यूस हमेशा करते रहना मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस। जरा सोचो मैनेजमेंट क्या कोई अकेला आदमी कर सकता है पूरा, अगर किसी को बिजनेस अपना चलाना है, किसी को हॉस्पिटल अपना चलाना है, किसी को स्कूल अपना चलाना है, क्रिकेट खेलना है, या मुझे कोचिंग जैसे चलाना है, आप अपना ट्वेल्थ करना, तो अकेला आप कर सकते हैं ना, मैनेजमेंट कभी भी अकेला नहीं हो सकता। मैनेजमेंट के लिए आपको चाहिए ग्रुप ऑफ पर्सन, आपके पास ग्रुप होगा तब आप मैनेजमेंट करोगे। किसका मैनेजमेंट करोगे, कैसे आप चीजों को, कैसे स्टाफ सेलेक्ट करोगे, बिजनेस चलाओगे, तो आपको मैनेजमेंट करने के लिए ग्रुप ऑफ पर्सन चाहिए। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, अकेला आदमी से मैनेजमेंट हो नहीं सकता। आपको भी तो चाहिए, चलो आप अकेले बोले तो घर में मम्मी पापा खाना बना रहे हैं जो आप जो कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर ऐसे बोल दो जहां आप स्कूल जा रहे हैं तो वहां पर ग्रुप ऑफ पर्सन है, ट्यूशन जा रहे हैं वहां ग्रुप ऑफ पर्सन है, तो अकेले से तो हो ही नहीं सकता। हालांकि मैनेजमेंट जो हम पढ़ रहे हैं वो तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पढ़ रहे हैं, वो तो मैं एक एग्जाम्पल रख दे कि आपके लाइफ के ट्वेल्थ को आप मैनेज कर सकते हैं, बट एक बिजनेस को चलाने के लिए, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, एक अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए, एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट करने के लिए, वो पांच फंक्शन को पूरा करने के लिए आपके पास ग्रुप ऑफ पर्सन होना चाहिए, अकेला आदमी मैनेजमेंट नहीं कर सकता। चार पॉइंट हो गया मैंने, एक मैंने ये बता दिया आपको कि गोल होना जरूरी है, दूसरा बताया सब जगह यूज होता है वो परवेसिव है, फिर हमेशा करते रहना चाहिए कंटिन्यूस है, फिर मैंने क्या बताया ग्रुप एक्टिविटी, अकेला आदमी नहीं कर सकता, मैनेजमेंट क्या है ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी, एक आदमी के मैनेजमेंट नहीं होता। बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट बहुत बड़ा बिजनेस है, वहां पर आपको मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोग है, तो ग्रुप में चलता है काम, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, मैं अभी ये सारे एग्जांपल को आपको फोटो वाइज दिखाऊंगा, चलो अभी और सुन लेते हैं, उसके बाद हम फोटो वाइज दिखाएंगे सारे चीज को। डायनेमिक वर्ड क्या होता है, डायनेमिक वर्ड होता है कि जैसे आपका इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है आपको अपने आप को वैसा चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ट्वेल्थ के स्टार्ट में आप 2 से 3 घंटा पढ़ोगे, वो भी ज्यादा बोल रहा हूँ, शायद 1 या 1.5 घंटा पढ़ेंगे। इसके बाद जैसे जैसे आपका समय बीतते जाएगा तो 3 से 4 घंटा पढ़ने लग जाएंगे, फिर जिस दिन आपका एनुअल पेपर आ जाएगा उस दिन तो आप 8 से 10 घंटा पढ़ लेंगे। मतलब आप डायनेमिक है, आप क्या करते हैं शुरू से 1 घंटा पढ़ रहे हो तो आखिरी तक 1 घंटा पढ़ूंगा, ऐसे नहीं। जब जब आपका टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, तो आप ज्यादा पढ़ लेते हैं, फिर टेस्ट एग्जाम नहीं होता, आप पढ़ते हैं, आप डायनेमिक हो गए। सिमिलरली हर बिजनेसमैन भी ऐसे ही करता है, बिजनेसमैन ना बाहरी चीजों को चेक करता है,
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को चेक करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो चल रहा है ये अपने बिजनेस को उसको एक्सेप्ट करता है, बिजनेस में उस चीज को अप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल पुराने जमाने में कीपैड होता था, अभी मैं दिखाऊंगा आपको फोटो, पुराने जमाने में कीपैड वाला फोन होता था, टच स्क्रीन आ गया, पहले व्हाइट बोर्ड में सॉरी ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया जाता था, उसके बाद व्हाइट बोर्ड आ गया, उसके बाद डिजिटल बोर्ड आ गया, अपडेट डायनेमिक चेंज करो। अगर आप इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने बिजनेस को चेंज नहीं करोगे तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो मैनेजमेंट भी डायनेमिक होता है, जैसे आप किसी पार्टी में गए, वहां पर चेक पूरा पार्टी में गए, बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट था, अचानक पानी गिर गया, अब पानी गिर गया तो पूरा खराब होने नहीं, डायनेमिक होता है, तुरंत चीजों को अंदर लेके चल जाते हैं, कुछ शेड बना देते हैं कि वहां पर लोग स्टे कर पाए, वो तुरंत 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 ऑन द स्पॉट किया जाता है, बहुत चीज को ऑन द स्पॉट जो बहुत सारी चीजों को किया जाता है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उस टॉपिक को बोला जाता है डायनेमिक। तो मैनेजमेंट डायनेमिक भी है, अगर आपने कोई प्लान बनाया है और सिचुएशन चेंज हो गया तो आप प्लान को तुरंत चेंज करो, डायनेमिक हो जाओ। अगर आप डायनेमिक नहीं होगे परिस्थितियों के हिसाब से अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो आउटडेटेड बाहर हो जाओगे। चलिए हम इन सबको दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बोला ना पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए। तो अगर आपके पास गोल ही नहीं है, अगर आपके पास गोल ही नहीं है तो किसका मैनेजमेंट करोगे। तो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना जरूरी है, गोल का होना जरूरी है, गोल गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। दूसरा मैंने क्या बताया था, मैनेजमेंट इज परवेसिव। व्हाट इज परवेसिव, यूनिवर्सल, सब जगह लगता है मैनेजमेंट, कोई भी नहीं छूटा मैनेजमेंट से। आपके घर में भी मैनेजमेंट होता है, जब सैलरी आता है तो डिसाइड कर लेता ना कि इस महीने का पैसा में ये इधर जाएगा, इतना दुपहर का, इतना राशन का, इतना सब्जी का, इतना स्कूल का फीस, इतना ट्यूशन का फीस, मैनेजमेंट तो हो रहा है। तो मैनेजमेंट तो सब जगह होता है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल परवेसी का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हमेशा करते रहना। देखो ये साइन जो बना है कंटिन्यू, नेवर एंडेड प्रोसेस, हमेशा आपको क्या करते रहना चाहिए, कंटिन्यूअसली मैनेजमेंट करना चाहिए। जिस दिन आप मैनेजमेंट बंद कर दोगे उस दिन आपके पास टारगेट ही नहीं रहेगा, आपके पास गोल ही नहीं रहेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। ऑफकोर्स ग्रुप में रहेंगे तभी आपका मैनेजमेंट हो सकता है। देखिए मैंने ग्रुप का फोटो रखा हुआ है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप में ही काम होगा तभी मैनेजमेंट होगा, सिंगल आदमी नहीं कर सकता मैनेजमेंट। अगर आपको एक शादी पार्टी भी ऑर्गेनाइज करना है तो वहां पर ग्रुप ऑफ पर्सन सही है, सिंगल पर्सन कभी भी काम नहीं कर सकता। सिमिलरली बिजनेस आप चला रहे हो तो आपको ग्रुप ऑफ पर्सन चाहिए। इसके बाद मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, जस्ट अभी हम पढ़ रहे थे डायनेमिक फंक्शन। देखिए मैं क्या रखा हूं, पुराने जमाने में कुछ इस तरीके से फोन यूज किया जाता है, डायनेमिक हुआ, जमाना चेंज हुआ, ये वायर ऐसा वाला आएगा, वायरलेस वाला। इसके बाद कुछ ये नोकिया का फोन आने लगा, उसके बाद कुछ इस तरीका का, और अब तो 5G स्मार्टफोन आने लग गया। तो डायनेमिक चेंज होते जा रहे हैं, तो आपको भी अपने बिजनेस को अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंजेस लाने पड़ेंगे, और इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। देखिए बुक का रटा हुआ पढ़ के सुना दूंगा ना तो पढ़ के भूल जाओगे, लेकिन ये सब एग्जांपल, ये जो पिक्स है वो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। दिमाग में सेट होगा तो आपको केस स्टडीज क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनाने में हेल्प होंगे। इसके बाद आपके पास दिया है इनटेंजिबल। सर ये तो 11th में हमने सुना हुआ इनटेंजिबल, गुडविल इज इनटेंजिबल एसेट, गुडविल इनटेंजिबल होता है। व्हाट इज इनटेंजिबल, जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। जैसे मैंने स्टार्ट में जो आज की क्लास चालू की थी, मैंने पार्टी का फोटो दिखाया था, ये फोटो वापस रखता हूं मैं। आप बोले थे कि बढ़िया सा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्या है, ये तो चेयर है, टेबल है, डेकोरेशन है, मैनेजमेंट क्या है। तो बोले सर ये तो मैनेज, अरे वो तो टेबल चेयर है, वो तो डेकोरेशन है, मैनेजमेंट क्या है। आपको फील होगा, मैं शुरुआत में बोला था, आप जब किसी पार्टी में एंटर करते बहुत अच्छी पार्टी था, बोले बढ़िया मैनेजमेंट, अच्छा फील लगता है। तो मैनेजमेंट को ना आप टच नहीं कर सकते, मैनेजमेंट देख नहीं सकते, ओनली इट कैन बी फील, मैनेजमेंट को सिर्फ फील कर सकते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल, इनटेंजिबल बोलते हैं। तो ये सब मैनेजमेंट के क्या है, आपके फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक बार शुरू से देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, गोल, गोल ओरिएंटेड। आपके सामने गोल होगा तो उसी गोल के हिसाब से ही आप काम करेंगे। अगर आपके पास गोल नहीं है तो आप क्या मैनेजमेंट करोगे अपना। तो मैनेजमेंट करने के लिए क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए। उसके बाद मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव। परवेसिव सभी जगह फैला हुआ, सब जगह मैनेजमेंट होता है। विदेश चल जाओ, देश चल जाओ, गांव चल जाओ, घर चल जाओ, स्कूल, एवरीवेयर, सब क्या होता है मैनेजमेंट। तो परवेसिव मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। तीन पॉइंट हो गया, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस और परवेसिव फंक्शन, और दूसरा क्या, तीसरा क्या, कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसके बाद मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी, सिंगल आदमी मैनेजमेंट नहीं कर सकता, ग्रुप होना जरूरी है। इसके बाद मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, बहुत ज्यादा केस स्टडीज क्वेश्चन इस पर आते हैं, वैल्यू बेसिस, डायनेमिक। डायनेमिक मतलब जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है आपको वैसे चेंज करना है। मैनेजमेंट क्या है, इनटेंजिबल, इनटेंजिबल मतलब मैनेजमेंट को सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते।
इसके बाद आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और फीचर बचा हुआ है, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स बचा हुआ है जो बुक में जनरली थर्ड पॉइंट में देगा। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशन, बहुत सारी चीजों का मैनेजमेंट होता है। वैसे बिजनेस में तीन चीजें होते हैं, एक आपके पास कुछ काम होगा, आपके पास कुछ वर्कर होंगे और आपका एक ऑपरेशन होगा। तो मैनेजमेंट होता है वर्क का मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे स्कूल में एजुकेशन, ये वर्क हो गया, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट, वो वर्क हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग, ये क्या हो गया, वर्क हो गया। तो वर्क का मैनेजमेंट करना है। स्कूल खुल गया है, टीचर भी पढ़ा रहा है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ा रहे कोई मतलब ही नहीं है, बस ऐसे पढ़ा दे रहे हैं, कुछ समझ में नहीं। तो वर्क करो, उसमें मैनेजमेंट करो, मैनेजमेंट नहीं लगाओगे तो ठीक से पढ़ाई नहीं होगा। बोलते ना कई सारा हॉस्पिटल ऐसा है कि एकदम खराब ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट तो है लेकिन खराब ट्रीटमेंट, मतलब मैनेजमेंट अच्छा नहीं। तो वर्क का होना चाहिए मैनेजमेंट। तो मल्टी डायमेंशन में सबसे पहले होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। इसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या है, लोगों को सैलरी देना, कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, जो ज्यादा काम करता है उसको ज्यादा सैलरी देना, जो कम काम करता है उसको कम सैलरी देना, उसके बाद उनका प्रमोशन करना। पीपल का मैनेजमेंट ऐसे ही तो होगा, आपके स्टाफ जो होंगे उनको सैलरी देना हो गया, कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, जो अच्छा काम करता है उसको ज्यादा, उनका प्रमोशन करना, उनका ट्रांसफर करना, उनको ये पोस्ट देना, वो पोस्ट देना, ये सब के सब क्या है, पीपल का मैनेजमेंट हो गया। तो हाँ, वर्क का भी होता है, पीपल का भी होता है। ये जो प्रमोशन HR डिपार्टमेंट बैठे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, स्टाफिंग कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। एंड मैनेजमेंट होता है ऑपरेशन का। ऑपरेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहले आपके पास रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स होता है, सॉरी रॉ मटेरियल से वर्किंग प्रोग्रेस होता है, वर्किंग प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स होता है, फिर पैकिंग लेबलिंग होता है, फिर सेल हो जाता है। देखा लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल खरीदना, फिर वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, फिर रिसीवर पैसा, फिर ड्यू होता है, फिर पैसा मिल जाता है। तो ये ऑपरेशनल इसको होते हैं। ऑपरेशनल मतलब एक प्रोसेस को बोलता है ऑपरेशनल, कि पहले कच्चा माल होगा, उसके बाद वो आधा बनेगा, फिर पूरा बनेगा, फिर पैकिंग होकर सेल होगा, फिर क्रेडिट में जाएगा, फिर पैसा मिलेगा, फिर कैश आएगा। ऑपरेशन का भी मैनेजमेंट, इसको भी तो मैनेजमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आप पता चल रहा है कि आप बेच दिया और बेचने के बाद पैसे ही नहीं आ रहे हैं, आपका क्रेडिट ना बेचे, तो उसके लिए भी पर्सन लगाना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशन होता है। किसका किसका होता है, वर्क का, ये जो फोटोज दिया मैंने, एजुकेशन हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, पीपल का, सैलरी दो, बोनस दो, एरियाज दो, उनका PF का पैसा काटो, उनका प्रमोशन दो, उनका ट्रांसफर करो, प्रमोशन कर दो अगर नहीं काम करते ठीक से। उसके बाद मैनेजमेंट किसका, ऑपरेशनल का। आपके पास एक ऑपरेशनल एक्टिविटी होगा, आप जो बिजनेस करते हो उसका ऑपरेशनल एक्टिविटी होता है। जैसे मैं जो बिजनेस करता हूँ कि मैं पहले पढ़ाता हूँ, एक आध महीना के आसपास, 10 दिन के आसपास डेमो देता हूँ, फिर फीस लेता हूँ, उसके बाद फिर अगला इंस्टॉलमेंट आता है, तो ये ऑपरेशनल है मेरा। वैसे प्रोडक्शन एक्टिविटी कई सारे कंपनी वाले क्या करते हैं, पहले बनाते हैं, फिर आधा बनेगा, फिर पूरा बनेगा, फिर सेल करेंगे, फिर क्रेडिट में जाएगा, फिर पैसा आएगा 1 महीने 2 महीने के बाद, इनका ऑपरेशनल है। कुछ लोगों को ऑपरेशनल एक्टिविटी करने में 6 महीना लगता है, 6 महीने में पैसा आता है। कुछ लोगों का ऑपरेशनल एक्टिविटी 1 हफ्ते का होता है, 1 हफ्ते में पैसा जाता है। कुछ लोगों को 1 डे में पैसा आ जाता है, जो स्ट्रीट फूड होते हैं उन लोग तुरंत लाते हैं, तुरंत बेचते, तुरंत पैसा आ जाता है, तो वो उनका ऑपरेशनल एक्टिविटी। तो इस तरीके से मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को रखा गया है। तो जरा एक बार हम पूरा रिवाइज करते हैं कि मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, गोल होना जरूरी है, बिना गोल के आप काम नहीं कर सकते। कोई भी पर्सन मैनेजमेंट नहीं करता होगा मतलब उसके पास गोल ही नहीं है, गोल होना जरूरी। फिर मैनेजमेंट इज क्या है, परवेसिव मैनेजमेंट। परवेसिव होना चाहिए, परवेसिव का मतलब सब जगह फैला हुआ, यूनिवर्सल। मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशन, इसको लास्ट में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट क्या, कंटिन्यूअस प्रोसेस, हमेशा करते रहना चाहिए, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक, इनटेंजिबल। एंड लास्ट में पढ़ते हैं मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशन। चलो एक क्विक रिविजन करते हैं कि क्या है, शुरुआत से पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने ये पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट आप देखकर बता दोगे लेकिन आप समझा नहीं पाओगे क्या है। मैनेजमेंट को करने के लिए आपके पास 5 चीजें इकट्ठे हो जाएंगे, 5 चीजों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाएगा तो आपका अच्छा मैनेजमेंट होगा। और वो 5 चीजें करने के पहले आपके पास एक गोल भी होना चाहिए भैया, अगर गोल ही नहीं है तो 5 चीजें वेस्ट है तुम्हारे लिए। तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक गोल होना चाहिए और 5 फंक्शन आपको करना है, 5 फंक्शन क्या क्या था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन चीजों से बनता है आपका मैनेजमेंट। ये 5 चीजें अगर मिल गया और उनके बीच में बढ़िया कोऑर्डिनेशन हो गया तो बढ़िया से बन गया आपका मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट कैसा होता है सब इसके बारे में बताओ। फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है, वैसे 11th वाले बच्चों को मैं हमेशा पढ़ाता हूँ फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब, तो उसके बारे में बताओ।
कब बता रहे, मैनेजमेंट भैया गोल होता है, मैनेजमेंट भैया परवेसिव सब जगह होता है, डायनेमिक होता है, कंटिन्यूस होता है, ग्रुप एक्टिविटी होता है, इनटेंजिबल होता है एंड मल्टी डायमेंशन होता है। तो ये मैनेजमेंट के फीचर है। एकदम फटाक से आप पढ़ेंगे इसको, बुक का भी रीड कर सकते हैं हम, लेकिन आप उस बुक से पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अब एक टॉपिक है आपके पास है मैनेजमेंट का, एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको हम पढ़ते हैं। वेट, हाँ देखिए, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विथ द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये भी एक मैनेजमेंट का डेफिनेशन है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस है। कितना प्रोसेस है? पांच प्रोसेस है, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन, दूसरों से काम कराने का प्रोसेस है। विद द एम, क्या है तुम्हारा एम? वो गोल, गोल को अचीव करना। तो गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट काम करता है, प्रोसेस में काम करता है। लेकिन गोल सिर्फ अचीव ही नहीं होना चाहिए भाई, गोल अचीव होने के लिए इफेक्टिवली गोल अचीव होना चाहिए और एफिशिएंटली गोल अचीव होना चाहिए। अगर सिर्फ आप गोल अचीव के पीछे बैठे हो तो भी गलत होगा, मैनेजमेंट नहीं होगा। तो गोल तो अचीव होना चाहिए लेकिन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सर आप क्या बोल रहे हो, अब तो ये समझ में नहीं आ रहा है। गोल तक पढ़ रहे थे, गोल अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करो, ये पांच चीजें कर लो, लेकिन गोल अचीव, सिर्फ गोल के पीछे नहीं जाना है, आपको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करना है। क्या है ये इफेक्टिवली सुनेंगे। आपने डिसाइड किया कि मैं अपने 12th में 80% प्लस लेकर आऊंगा और आपको अपने 12th को पास करने के लिए 2 साल लग गया। पहले साल फेल हो गया, फिर से रिवीजन करे, फिर से पढ़े, फिर पास हुए 2 साल, और 2 साल के बाद तुम्हारा 82% आया। क्या ऐसा 82% लाना कोई मतलब का है? बिल्कुल नहीं है। आप बोलोगे सर गोल तो था मेरा 82, मैं 1 साल में क्या, मैं 5 साल छूंगा उसके बाद? नहीं भाई, टाइम पर लाओ ना, 1 ईयर में लेकर आओ। जब आप 1 ईयर में लेकर आओगे तब तो गोल अचीव माना जाएगा, अदरवाइज उसको गोल अचीव कहां माना जाएगा? वो तो आप 5 साल लगा दिए तो उसके बाद तो आएगा ही आएगा। तो गोल जो होना चाहिए वो अचीव होना चाहिए ऑन टाइम, ऑन टाइम। टाइम पर गोल अचीव होगा तो उसको बोलते हैं इफेक्टिवली। आपको जो टारगेट मिलता है आपके बिजनेस में, जो आपको टारगेट मिला हुआ है, जो आपको गोल मिला हुआ है, जो आपने गोल डिसाइड किया हुआ, उसको ऑन टाइम करना है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। आपने 80%+ लाने का सोचा लेकिन आप 3 साल ले रहे हो 85 लाने के लिए, तो आपके घर वाले बोलेंगे कोई मतलब है ऐसा लाने का? तो आप तो बोले नहीं हमारा गोल तो अचीव है। अरे वेस्ट है, तुम्हारा गोल अचीव नहीं हुआ। इफेक्टिवली होना चाहिए, इफेक्टिवली मतलब ऑन टाइम। तो ये है एग्जाम्पल इफेक्टिवली का। दूसरा एफिशियंटली क्या होता है? एफिशियंटली का मतलब आप सुनेंगे, आपने गोल बनाया 80% प्लस लाने का। अब इस 80% प्लस लाने के लिए आप एक कोचिंग ज्वाइन करें जहां का फीस आप दे रहे हो 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का कोचिंग फीस दे रहे हो, और वहां से तुम पढ़े और तुम्हारा 80%+ आ गया। वही कोई और स्टूडेंट है जो केवल और केवल 15,000 रुपए 15,000 रुपीज पे किया और पढ़ाई किया और 85% के आसपास लेकर आ गया। एक बच्चे ने पढ़ाई किया है और 1.5 लाख रुपए खर्चा किया, ज्यादा खर्चा किया, कॉस्ट ज्यादा कर दिया, खर्चे ज्यादा कर दिया, और उसके बाद वो अपना गोल को अचीव किया। वही एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने कम कॉस्ट में गोल अचीव कर लिया। किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? यस सर, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ऐसे बच्चे को क्या बोलते हैं? एफिशिएंट बोलते हैं। एफिशिएंट मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट निकालना, कम से कम खर्चे में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा यूज करो एंड अपने कॉस्ट को कम करो, उसको बोलते हैं एफिशिएंटली। देखोगे ना कई लोग कुछ कम पैसे में लेकर बहुत अच्छा बिजनेस कर लेते हैं और कई लोग लाखों रुपए लगाकर भी उतना बिजनेस नहीं कर पाते। तो इसी को बोलते हैं एफिशिएंटली, कि कम कॉस्ट में कम लागत में मैक्सिमम आउटपुट निकाल लेना, उसको क्या बोलते हैं? एफिशिएंटली। तो मैं ये बोल रहा हूं कि गोल जो आपको अचीव करना है, वो गोल कैसे अचीव करना है? 2 साल 10 साल बाद 1.5-1.5 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए खर्च करने के बाद? नो सर, गोल अचीव होना चाहिए ऑन टाइम प्लस
मिनिमम कॉस्ट, कम खर्चों में ऑन टाइम काम खत्म कर लो, तब आपका गोल अचीव माना जाएगा। अदरवाइज ऐसा गोल अचीव करने को कोई मतलब ही नहीं जिसमें आप इतना ज्यादा समय लगा दियो, इतना ज्यादा खर्चा कर दियो, तो वो तो गोल आएगा ही आएगा, उसको कौन काउंट करता है। मजा तो तब आएगा जब आप कम खर्चों में और एक ही साल में उतना परसेंट लेकर आ जाओ जितना आप चाहते हो, जो आपने गोल बनाया हो। जितना कम खर्चों में आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे और एकदम ऑन टाइम अचीव कर लेंगे, तब आपका गोल को क्या माना जाएगा, अचीव करना माना जाएगा। आइए, तो यहां पर हमने तीन चीजों को अंडरलाइन किया हुआ है मैनेजमेंट के डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन में सबसे पहले प्रोसेस होना चाहिए। कितने प्रोसेस हैं? पांच। अब तो पांच पॉइंट नहीं बोलेंगे। इफेक्टिवनेस होना चाहिए। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है सर? ऑन टाइम काम करना है। ऑन एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ क्या होना चाहिए? रिसोर्सेज होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें मिलती हैं तब आपका मैनेजमेंट को मैनेजमेंट माना जाएगा, नहीं तो हर कोई मैनेजमेंट करता है, जस्ट मैनेजमेंट। आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। यहां पर मैंने लिख के रखा हुआ अचीविंग द गोल ऑन टाइम एंड मैक्सिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज तुम्हारे पास उसको पूरा यूटिलाइज करें, खर्चों का टारगेट पूरा करो, तब आप क्या बनाएंगे? आपका गोल अचीव करना, बेस्ट मैनेजमेंट, बेटर मैनेजमेंट। अब ये दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? भैया समय पर भी काम होना चाहिए और कम खर्चों पर भी काम होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए। आप बोले कि मैं सिर्फ 5,000 रुपए खर्च करूंगा 12th में, लेकिन मैं 3 साल में टारगेट अचीव करूंगा, नहीं। आप बोले मैं एक ही साल में अचीव करूंगा टारगेट, लेकिन मुझे 1.5 लाख रुपए अचीव करने पड़ेंगे, नहीं। आप कम से कम खर्चों पर एकदम सही समय पर काम पूरा करोगे, तब आपको बोला जाएगा मैनेजमेंट। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, कंक्लूजन दिया हुआ है। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर द इक्वली इंपॉर्टेंट एज बीइंग इफेक्टिव। एज बीइंग इफेक्टिव मींस कंप्लीटिंग द टास्क, बट इट इज नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क, इट मस्ट बी डन करेक्टली विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। आपको खर्चे भी कम करना है। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर द टू साइड्स ऑफ सेम पॉइंट, वन विदाउट अदर इज ऑफ नो यूज, एक के बिना दूसरे का यूज नहीं, दोनों यूज होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टुगेदर लीड अ हायर प्रॉफिट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस। तो ये पैराग्राफ आपको पढ़ के रखना है, बहुत अच्छा। देखो मैं चीजों को आसान कर सकता हूं, याद नहीं कर सकता, मैं चीजों को समझाऊंगा, आपको समझने के बाद करना पड़ेगा। वीडियो बनाने का मेन पर्पस होता है कि कोई रिवीजन मिल जाता है आपको, थोड़े समय में कोई रिवीजन ले लिए, उसके बाद एग्जांपल सुनिए, उसके बाद आप अपने से पढ़ेंगे, काम हो जाएगा। देखो जल्दी से आज का क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले डे 1 मैनेजमेंट हमने पढ़ा क्या, व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट 5 चीजों से बना होता है, जैसे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग होता है। बिना 5 चीजों के कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट नहीं हो सकता। उसमें मैनेजमेंट हमने क्या पढ़ा, टीचर पढ़ा, मैनेजमेंट के सबसे पहले गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होना चाहिए। मैनेजमेंट परवेसिव है, मैनेजमेंट क्या है आपका, कंटीन्यूअस प्रोसेस है, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट डायनेमिक है, मैनेजमेंट इनटेंजिबल है एंड मल्टी डायमेंशन है। मल्टी डायमेंशन के अंदर तीन पॉइंट होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसके बाद आपने पढ़ा हुआ है कि मैनेजमेंट का एक प्रोसेस का डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। गोल ही अचीव करना मैटर नहीं करता भैया, गोल तो अचीव करना है लेकिन इफेक्टिवली करना है, और कैसे करना है? एफिशिएंटली करना है। इफेक्टिवली का मतलब होता है ऑन टाइम, एक ही समय पर, उतने ही समय पर करना है। एफिशिएंटली का मतलब होता है कम से कम खर्चों पर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। जितना पॉइंट आप कंप्लीट करके रखेंगे तो ये पहला चैप्टर का पता हो जाएगा। रिवीजन इसके बाद बाकी टॉपिक्स भी कवर करते हैं अगले वीडियो।